हे गाइस वेलकम दोस्तों, फाइनली Xiaomi ने Redmi Note 11 सीरीज को चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं अच्छी खासी प्राइस पर। अगर दोस्तों सही प्राइस पर ये इंडिया के अंदर लॉन्च किए जाए ना तो धमाका कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, Redmi Note 11 सीरीज को लेकर इंडिया के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस। काफ़ी टाइम पहले Redmi Note 11 सीरीज इंडियन BIS पर सर्टिफाइड की गई थी, उसके बाद काफ़ी सारी सोशल मीडिया पर भी ये लिस्ट की गई है। दोस्तों अब ऐसा निकल के आ रहा है कि Redmi Note 11 सीरीज रीब्रांड होकर इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। लाइक Redmi Note 11 स्मार्टफोन Poco M4 Pro के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और इतना ही नहीं 11 Pro स्मार्टफोन Mi 11i और 11 Pro Plus स्मार्टफोन Mi 11i हाइपर चार्ज के नाम से लॉन्च किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये तीनों स्मार्टफोन रीब्रांड होके लॉन्च किए जाएंगे इंडियन मार्केट में। दोस्तों Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में तो पता नहीं है, बट ऐसा लगता है कि जो Redmi Note 11 सीरीज है वो आई थिंक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं की जाएगी, बल्कि रीब्रांड होके लॉन्च की जाएगी इन स्मार्टफोन के नाम से। Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं है, बट देखते हैं और क्या क्या होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, इस सीरीज का कॉम्पिटिटर Realme, जो कि Realme 9 सीरीज को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। एक्चुअल में दोस्तों Realme 9 सीरीज IMEI डेटाबेस पर ऑफिशियल लिस्ट कर दी गई है, जहां पर दोस्तों बहुत कुछ निकल के आ चुका है Realme 9 सीरीज के बारे में। तो एक्चुअल में गाइस आज मैं आपको Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। इस फोन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड फीचर्स, और इसकी क्या प्रयास हो सकती है, इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो सकता है, फुल एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों Realme 9 Pro स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, एक्चुअल में तो अभी निकल के नहीं आया है, बट एक्सपेक्ट इसकी जो डिजाइन है ना वो दोस्तों Realme GT Neo 2 से इंस्पायर्ड होगी। Realme GT Neo 2 का आपको डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी सारी लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा निकल के आ रहा है। बैक साइड में आपको ग्लास दिया जाएगा ग्लॉसी फिनिश के साथ, ट्रिपल कैमरास होंगे स्क्वायर शेप में, LED फ्लैश होगी और Realme की ब्रांडिंग होगी। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको GT Neo 2 के जैसा मिल सकता है। जी हाँ, और आपको सेंटर में प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाएगा और फ्रंट में इनसाइड पंच होल डिस्प्ले डिजाइन दिया जाएगा। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि इनसाइड पंच होल के साथ आता है। जो कि ये तो फीचर आपको पता है यूनिक रहता है Realme का, जो कि हर स्मार्टफोन इनसाइड पंच होल के साथ ही आता है। इसके अलावा आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, HDR10 का सपोर्ट होगा, और यहाँ पर आपको कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको दिया जाएगा, जो कि Note 11 सीरीज में स्किप है, वहाँ पर आपको साइड में मिलता है, और इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। तो गाइस ऑलमोस्ट देखा जाए तो डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी, नो डाउट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका काफ़ी कमाल का होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं एकदम हाईलाइट फीचर की, जो कि है इस फोन का परफॉर्मेंस। दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम का चिपसेट ऑफर किया जा सकता है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G, और ये 6nm पर बेस्ड है, काफ़ी अच्छा चिपसेट है, गेमिंग आपको काफ़ी कमाल का कराता है, आपको ज़्यादा लैगिंग हैंगिंग प्रॉब्लम ये आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। बाकी दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 दिया जाएगा, जो कि Realme UI 3.0 पर रन करने वाला है, और इसमें आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरास की। तो गाइस इस फोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे स्क्वायर शेप में, और इस फोन का जो प्राइमरी लेंस है वो दोस्तों 108 मेगापिक्सल का हो सकता है, 108 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ, बाकी एक अल्ट्रा वाइड होगा और माइक्रो लेंस दिया जाएगा। ऑफिशियली बैक साइड से आप लोग मिनिमम 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा चांस है कि 4K का सपोर्ट मिल जाए, बाकी 1080p रेजुलेशन पर तो आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। दोस्तों बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इस फोन में आपको अराउंड 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, लगभग 5000 mAh की बैटरी आपको दी जाएगी। 65W का सुपर डायरेक्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, इन द बॉक्स ये चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा।
दोस्तों चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5 mm का जैक होगा, फेस अनलॉक, और यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो गाइस ये थे इस फोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स। फाइनली इस फोन की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अगर यही फीचर्स आपको इस फोन के अंदर प्रोवाइड किए जाए ना, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर अराउंड 20,000 होगी। 20,000 के करीबन की प्राइस पर आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। और आपको लॉन्च का तो बताइए, 2022 में लॉन्च किया जाएगा, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी या फिर फरवरी में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन थी 9 प्रो के बारे में, और आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिल जाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।